वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम फैंटेसी प्लेयर्स। तो गाइस कल का मैच उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा अच्छा गया होगा आपका, क्योंकि भाई मैंने कल क्लियरली बोला था बटलर के चांसेस हाई हैं फ्लॉप जाने के, वही हुआ। और यहां पे वार्नर के बारे में बताया था, बट वार्नर भाई लक अच्छा था, चल गया, वहां से प्लेयर्स कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, करने क्या पाए यार बंदा, भाई 15-20 रन पे वो भी आउट था, कैच छोड़ दी चहल की बॉल पे, अदरवाइज आउट था वो भी। ठीक है, तो यहां पे दोनों पोजीशन के हिसाब से उम्मीद, अब भाई क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, तो वार्नर मार के अलग बात है। ठीक है, मार्स के बारे में बोला था हेड टू हेड 3 में उन्हें कैप्टन बना के रखना, भाई जिन्होंने बनाया होगा उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। प्लस यहाँ पे जो लोग यहाँ पे क्या नाम है, दुनिया मैंने पहले कहा था बटर को कैप्टन बना के रखेगी, तुम थोड़ा सा आउट साइड जाना, जो लोग गए उनका अच्छा फायदा हुआ। ठीक है, तो यही होता है, अगर वीडियो को पूरा सुनते तो फायदा आपका कहीं ना कहीं होता ही है। तो इसीलिए कहता हूं, अगर चाहे ग्रैंड लीग टारगेट कर रहे हो या फिर हेड टू हेड में विनिंग थोड़ी इंप्रूव करनी हो तो वीडियो को एंड तक देखो, ताकि जिससे हेल्प हो आपकी अपनी टीम बनाने में, क्योंकि वीडियो में बीच में बहुत कुछ होता है, आप लोग स्किप कर दो आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, आज बात करेंगे सीएसके और मुंबई इंडियंस दोनों टीम्स का मैच क्या रहने वाला है, इस मैच के लिए ड्रीम इलेवन की टीम्स हमारी किस तरह से रहेंगी, क्या क्या प्रेडिक्शन रहेगी, वो सब कुछ आपको यहां पर पता चलेगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। और गाइस हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आने वाले फ्यूचर में आपको मिलते रहे, जिससे हेल्प हो आपको अपनी टीम बनाने में। भाई दोनों टीम्स यानी मुंबई और सीएसके खत्म टीम्स हैं, घर जाके बैग पैक कर चुके हैं लोग, घर जाने की तैयारी में। ठीक है, तो अब ये है, ये मैच जो है ना आपको फुल फंटर मैच दिखने वाला, कुछ भी यहां पर हो सकता है। हेड टू हेड ओवरऑल देखा जाए तो एमआई काफी आगे है यहाँ पे सीएसके से, बट वानखेड़े के पीछे यहाँ पे आपको लो स्कोरिंग मैच भी दिख सकता है और हाई स्कोरिंग मैच भी दिख सकता है। यानी आपको टीम्स बनाने, टोटल अगर आप 10 टीम के साथ जा रहे हो, 10 टीम के साथ जा रहे हो तो 10 में से 5 टीम ऐसी बनाना जो क्या नाम है लो स्कोरिंग वाली हो, और 5 टीम ऐसी बनाना जो हाई स्कोरिंग वाली हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अब कुछ भी कर सकता है, कोई काम धाम तो रहा नहीं इनके पास अब। ठीक है, सीरीज में कोई जगह बनती नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी अपने पिनक उतारने के लिए करके जा सकते हैं। ठीक है, चेंजेस मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 यही होनी चाहिए, बाकी देखते हैं, थोड़ा डाउट है रमनदीप और यहाँ पे अनमोल पे, देखते कौन खेलता दोनों में से, पर जो भी खेलेंगे काम का कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 टीम के साथ अगर आप जा रहे हो, कहने का मतलब आप चाहे 2 टीम के साथ जा रहे हो, दो में से 50% टीम्स आपको, यानी एक टीम आपको हाई स्कोरिंग बनानी है, एक टीम आपको लो स्कोरिंग बनानी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीएसके की। सीएसके से भाई यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा पॉइंट टेबल लिखा भी नहीं है कौन कितने जीता क्या था, मतलब ही नहीं बनता कुछ लिख के क्या फायदा। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ है भाई ये बंदा ना, आज के मैच में ठीक ठाक स्कोर करके आपको दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेनियल सैम्स और अश्विन मुर्गुन अश्विन दोनों एक एक बार आउट किया है। ठीक है, यहाँ पे इनका इसका मैचअप इन दोनों के सामने, इन दोनों को झेलिए तो अच्छा खासा खेल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर डी कॉनवे जल्दी निकल जाता है तो फिर यहाँ पे आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बन के जरूर जाएगा, और कुछ टीम में इसको कैप्टन बना के जरूर चलना है। ठीक है, तो नंबर 1 तो आपका ऋतुराज गायकवाड़ जो आपको मोस्टली टीम में ट्राई करना ही है। डी कॉनवे भाई पोलार्ड हो गया, अगले मैडिल हो गया, दोनों ने एक एक बार आउट किया, और जिस हिसाब से पिच है ना, जिस हिसाब से खेल रहा है लास्ट में जो बढ़िया तगड़ा स्कोर करके गया, ठीक है, जिस जो हवाई फायर करता है ना ये रिले मैडिथ या फिर क्या नाम है आपका रिले मैडिस और जैसे सैम्स, दोनों के रिले मैडिस और पोलार्ड, सॉरी पोलार्ड इसके लिए बॉलिंग के लिए आता, बट पोलार्ड पे ज्यादा विश्वास मत करना, पहले आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1 या 2 ओवर की उम्मीद कर लेना। हालांकि इस पे मतलब जो सीएसके के प्लेयर्स हैं इनके लिए बंदे का रिकॉर्ड पोलार्ड का अच्छा है, ये आ सकता है बॉलिंग के लिए, ज्यादा चांसेस को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से सब फ्लॉप जाए कोई भाई, इनमें से कोई एक बंदा मतलब ज्यादा पिट जाएगा तो ही यहाँ पे जाएगा, तो ही यहाँ पे ज्यादा कराएगा। ठीक है, तो पोलार्ड पे उम्मीद करना बट ज्यादा मत करना। ठीक है, तो डी कॉनवे पे भी फुल चांस है आज के मैच में फ्लॉप जाने के। उसके बाद रॉबिन उथप्पा भाई पोलार्ड ने 3 बार आउट किया, बुमराह ने अश्विन ने 2 बार आउट किया हुआ है। ठीक है, और उथप्पा आज के मैच का हो सकता है फ्लॉप प्लेयर जाए। अब यहां पर आपको टीम्स कैसे बनानी है, एक टीम में ऋतुराज गायकवाड़ और डी कॉनवे दोनों को रखना, और उस टीम में उथप्पा को दूर दूर तक आपको रखना ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शिवम दुबे, बुमराह ने क्या नाम है 2 बार आउट किया और डेनियल सैम्स ने यहाँ पे 1 बार आउट किया, तो इसका भी रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है। प्लस यहाँ पे 1 डाउन आता है, तो बुमराह को आप जैसे पता ही है कि भाई लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई कैसे खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग इसे संभल के खेलते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे बुमराह का आप देख रहे हो राइडुल ने 2 बार आउट किया, डेनियल सैम्स ने 1 बार आउट किया, तो ओवरऑल देखा जाए इन दोनों का सेम ही है। तो जिसमें शिवम दुबे को रखोगे उसमें राइडो को मत रखना, अदरवाइज राइडो को तो ड्रॉप करके चलना जहां तक मुझे लगता है फायदा हो जाए। ठीक है, एमएस धोनी का भाई रिकॉर्ड तो बंदे का जबरदस्त है, तो जब दोनों टीम्स आपस में हेड टू हेड खेलती हैं तो बंदे का रिकॉर्ड काफी जबरदस्त रहा है, पर यहां से भी भाई ईशान किशन आपको विकेट कीपर मिलेगा, इसका भी रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो अब मेरे अगर इनकी टीम बैट फर्स्ट करती है, सीएसके अगर बैट फर्स्ट करती है तो चाहो तो आप धोनी के साथ जा सकते हो, अगर बैट सेकंड करती है तो आप यहां पर धोनी को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, मोइन अली भाई पोलार्ड ने 2 बार आउट किया, अश्विन ने 1 बार आउट किया, बुमराह ने 1 बार आउट किया। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए
है, तो अगर ये ऊपर आता टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए, बट चांसेस कम ही लग रहे, जडेजा इनके बाहर है। ठीक है, मोइन अली यही इसी ऑर्डर मेरे हिसाब से आने, क्योंकि भाई ये टॉप हो सकता है दुबई या राइडू की जगह पर इनसे पहले आ जाए, वो एक अलग बात है, बट फिर भी इनका जो है ओवरऑल यहीं पर बनता है, तो अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो आपकी मर्जी, क्योंकि यहां से भी प्लेयर ठीक ठाक ही है। जब ये बॉलिंग करेगा तो उस टाइम पर मोइन क्या नाम होगा, या तो तिलक वर्मा होगा या पोलार्ड होगा या फिर क्या नाम होगा टिम डेविड होगा, ये खेल लेंगे। ठीक है, उसके बाद डीजे ब्रेवो भाई सुपर प्लेयर बनता है ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि इसका भाई इसका जो मैचअप देखोगे ना आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद थिक्साना हो गया, इधर सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। मुकेश चौधरी है, हीरो जरूर है, पिछले मैच में भाई बंदे ने रोहित शर्मा ईशान किशन दोनों को 0-0 पे आउट किया था आई थिंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एस सिंह है, ये आपके लिए इस मैच के लिए कामयाब प्लेयर बन सकते हैं, ट्राई करना ग्राइंडिंग में भी। अगर यहां से कोई सीएसके से अगर आप रिस्क लेके बॉलर अपनी हेड टू हेड 3 में रखना चाहते हो तो एस सिंह आपका काम का प्लेयर बन सकता है। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस में आपके लिए कौन कौन सा प्लेयर काम का रहने वाला है। ठीक है, मुंबई इंडियंस में देखा जाए तो यहां पे रोहित शर्मा जी हैं। ठीक है, रोहित शर्मा जी हो गए, इनको तो भाई ब्रेवो जी ने 5 बार आउट किया। ठीक है, ब्रेवो ने 5 बार आउट किया, मोइन अली ने 1 बार आउट किया, मिसल सैंडर अगर खेलते हैं तो हालांकि मेरे हिसाब से प्लेइंग में होंगे नहीं। ठीक है, 3 बार आउट किया, चौधरी ने 1 बार आउट किया, तो ये हाल है इनका यानी रोहित शर्मा का इनके खिलाफ। तो हालांकि मुंबई के पीछे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भाई इस पिच का रोहित शर्मा को, और ओवरऑल इसकी टीम मुंबई इंडियन की टीम इनके सामने काफी ज्यादा, तो रोहित शर्मा आज के मैच का आपका ड्रीम टीम का हिस्सा बन के जा ही सकता है, प्लस अगर दिमाग खराब हो गया तो ड्रीम टीम का कैप्टन बन के भी जा सकता है, तो यानी दोनों सीजन के हिसाब से आपको उसको रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईशान किशन आपका भाई ये भी ड्रीम टीम का हिस्सा बन के जरूर जाएगा जहां तक मिले, क्योंकि ब्रेवो ने 1 बार आउट किया और यहाँ पे चौधरी ने 1 बार आउट किया, तो क्यों हो गया भाई चौधरी से मुझे लगता नहीं है, बट फिर भी आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, बट मैं दोनों को रखने के लिए आपको इस टीम में जरूर बोलूंगा। तीसरे नंबर बात है आपके तिलक वर्मा, ठीक है, ये भी आपका कामयाब प्लेयर बनता, 1 डाउन या 2nd डाउन कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टिम डेविड है भाई, बहुत तेजी से खेलता है, इन दोनों के अभी ये प्लेस खाली है, इसमें कोई पता नहीं है कौन खेलेगा, बट जो भी खेलेगा ना तो मैं रखूंगा और नहीं रखने के लिए बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद पोलार्ड की बात करें भाई, पोलार्ड यहाँ पे ठीक है, ब्रेवो ने 9 बार आउट किया हुआ है, पर हालांकि रन भी अच्छे खासे देखे हैं, 150 बॉल में 250 या 52 रन ऐसे देखे। ठीक है, तो 9 बार आउट भी किए हैं, तो पोलार्ड के लिए थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर डीजे ब्रेवो, बाकी देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, डेनियल सैन को ज्यादा मतलब सजेस्ट करूंगा नहीं, ठीक है, फिर भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, क्योंकि इनकी टीम की हालत खराब है, इनकी टीम स्टार्टिंग में ही बिगड़ देना चालू कर देती है, दोनों टीम आपस में खेलती है, तो यहाँ पर आप चाहो तो उस सोच से अपनी डेनियल सैन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और कर भी लेना, एक आध टीम में जरूर ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुर्गुन अश्विन ये आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट प्लेयर बने। उसके बाद यहाँ पे कार्तिको को इतना ज्यादा सर्च करूंगा नहीं, बुमराह यहाँ पर आपका कामयाब प्लेयर आज के मैच में भी बन सकता है, पिछले मैच में आई थिंक 5 विकेट लेके गया था, आज के मैच में आपको 2-1 विकेट ले जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि इनके प्लेयर थोड़ा सा अलग लेवल के, बुमराह को थोड़ा उस हिसाब से नहीं खेलते हैं जिस हिसाब से बाकी टीम्स खेलती है, कि हाँ भाई बुमराह है इसका ओवर निकाल लो सिंगल लेके कोई दिक्कत नहीं है अगले में रन मार लेंगे, बट ये यहाँ पे सीएसके के प्लेयर ऐसे नहीं है, बट फिर भी यही है कि 2-1 विकेट निकाल के आपको बुमराह यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो ये था एमआई की तरफ से, और गाइस आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि इसी तरह का एनालिसिस आपको मिलता है, मैं स्टैट्स नहीं दूंगा क्योंकि भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता, वीडियो भी 30 मिनट की बन जाएगी 25-30 मिनट की, पर उसी जगह फायदा जब समझ में नहीं आए खाली कंफ्यूज हो जाए, मेरा मतलब कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा मतलब भाई डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेडिसन यहाँ पे जब जाएगी करेक्ट जाएगी। ठीक है, उसके बाद और आपने अभी भी अपना हेड टू हेड 3 मेंबर का इन्वेस्टमेंट अगर अदर ऐप पर कर रहे हो तो बंद कर दो भाई, अगर थोड़ा सा अच्छा खासा प्रॉफिट में रहना है तो भाई कंपटीशन से हटो, रीसेंट में बैट बॉल 11 और यहाँ पे विजन 11 दोनों की सबसे बेस्ट ऐप है, रीसेंट में लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ में रेफर कोड चंदूमंडोत्री जरूर यूज करना, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस बहुत कम है, प्लस यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी आपको लो ही देखने मिलेगा दोनों ऐप्स पे, और जो लोग यहाँ पे लूडो से थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हो वो उनके लिए तो बैट बॉल 11 काफी सुपर ऐप है, क्योंकि यहाँ आपको लूडो का फीचर भी देखने के लिए मिलता है, तो ऐप दोनों जरूर इंस्टॉल करना, लिंक आपको नीचे डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था दोनों टीम्स की तरफ से एनालिसिस, अगर कुछ क्वेश्चन हो माइंड में तो भाई कमेंट कर देना, कुछ स्क्रीनशॉट चाहिए हो इनके रिकॉर्ड्स के तो भाई वो भी दे दूंगा अपने क्या नाम है टेलीग्राम चैनल पर, कमेंट कर देना टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्कशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोनों टीम्स का लेखा जोखा, अब बात करते हैं दोनों टीम की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन हमारी टीम के लिए ग्रैंड लीग या चाहे ग्रैंड लीग खेलो चाहे फिर हेड टू हेड खेलो किसके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। ठीक है, सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन, भाई आपको लगता है कि भाई नहीं मैं तो भाई इतना पैसा लगा रहा हूं सेफ ही जाऊंगा मुझे नहीं रखना किसी और को। ठीक है, तो रोहित शर्मा नंबर 1 चॉइस, ईशान किशन नंबर 2, मोइन अली नंबर 3 और डी कन्वे नंबर 4, ये 4 चॉइस आपके लिए सेफ है जिनको लोग यहां पर ट्राई करने वाले हैं। ठीक है,
थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा आउटसाइड जाना चाहते हो, तिलक वर्मा नंबर वन, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर दो, डीजे ब्रावो नंबर तीन, पोलार्ड नंबर चार, ये हाई रिस्की रहने वाला है और इनको ज्यादा ट्राई करना ग्रैंड लीग में ही, ठीक है। हेड टू हेड हो भाई आपका रिस्क रहेगा, चाहे डीजे ब्रावो हो, चाहे गायकवाड़ हो, चाहे पोलार्ड हो, ठीक है। अगर इनकी टीम बैट फर्स्ट करती है तो मैं पोलार्ड को जरूर सजेस्ट करूंगा एज ए कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए, फिर हेड टू हेड थ्री मेंबर के लिए, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा टोटल एनालिसिस, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई अब तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बाकी अब हम बात करेंगे कि कौन से वो प्लेयर्स हो सकते हैं जिनको अगर अपनी टीम से थोड़ी सी दूर, मतलब दूरी बना के रखो तो आपका फायदा हो सकता है। तो ध्यान से सुनना, यहां से जैसे मैंने आपको बताया नंबर वन तो डिक कनवे सिचुएशन में आपको पूरी बता रखी है, अगर आपने वीडियो शुरू से लेके अब तक देखी तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर दो उथप्पा, इसकी भी मैंने सिचुएशन आपको बता रखी है, वीडियो पूरी देखी तो ही आपको पता होगा, स्किप करी होगी नहीं पता होगा। नंबर तीन राइडू, सेम चीज सिचुएशन आपको बताइए, देखा होगा तो पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से एम चौधरी, ठीक है, नंबर चार एम चौधरी नंबर चार का प्लेयर हो सकता है, और हो सकता है थिकसाना भी आपको फ्लॉप होता हुआ दिख जाए, बट ये नहीं, हमें मुकेश चौधरी तक आज मेरे को डाउटफुल है कि मुकेश चौधरी भी फ्लॉप जा सकता है, ठीक है। यहां से बात करें मुंबई इंडियंस की तरफ से, इंडियन की तरफ से भाई ज्यादा किसी पर सजेस्ट है नहीं, एक तो रिली मेरेडिथ पे थोड़ा बहुत डाउट है, दूसरा आपका कार्तिके पे डाउट है, तीसरा आपका डेनियल सैम्स पर डाउट है, ये तीन प्लेयर है मुंबई इंडियंस की तरफ से। बट ओवरऑल गाइस आपको रियली बता रहा हूं, आज अगर आप चाहो तो मुंबई इंडियन की तरफ से जा सकते हो, क्योंकि इनकी टीम ओवरऑल फिर भी ठीक ठाक है, और कोशिश करना ग्रैंड लीग में इन्वेस्टमेंट करने की हेड टू हेड थ्री मेंबर थोड़ा सा ऐसे मैचेस में इग्नोर रखना, क्योंकि भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। कुछ भी करके कोई जा सकता है, क्योंकि भाई बहुत दमखम रखते हैं, ठीक है, दोनों टीम्स के प्लेयर कुछ भी करके जा सकते हैं, तो उस हिसाब से अपनी टीम बनाना ग्रैंड लीग के लिए हेड टू हेड थोड़ा सा इग्नोर करना, ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी होती है, मैं खुद इग्नोर करूंगा भाई, इसीलिए आपको बोल रहा, क्योंकि भाई मैं किसी का पैसा वेस्ट नहीं कराना चाहता कि भाई खेलो कोई फायदा नहीं है भाई, जब पता है भाई इसमें हारने के चांसेस हाई हैं तो ऐसा रिस्क लेना क्यों, ठीक है। तो ये था टोटल एनालिसिस गाइस, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो लाइक नहीं करी वो भी कर देना, बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं अब तक तो भाई कर लो, फायदा आप लोगों का या फ्यूचर माना टाइम में आपका काफी कुछ फायदा होने वाला है। बाकी अगर बैट बॉल 11 विजन साइन अप नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डायरेक्टली लिंक को क्लिक करना और ऐप को डाउनलोड करिए, सामने रेफरल कोड दिया होगा चंदू123 वो भी यूज करना भाई, 100 रुपए का बोनस आपको मिल जाएगा, 35 रुपए का मुझे मिल जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।